This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल ए 18 तेलंगाना न्यूज़ के ख़ास खबरनामे पर। आज 31 मई मंडे का दिन है, आइए नाज़रीन देखते हैं आज का ख़ास खबरनामा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते एक और खौफ मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर आने का अंदेशा है। महाराष्ट्र हुकूमत ने बताया कि सिर्फ एक महीने के अंदर यानी मई के महीने में करीब 8,000 बच्चे कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। ऑफिशियल्स और अथॉरिटीज तमाम अहकाम कर रहे हैं इस कोरोना की तीसरी लहर को रोकने या ये भी कहा जा सकता है कि तीसरी लहर का सामना करने एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। संगली शहर में बच्चों के लिए खास कोविड-19 वार्ड बनाया गया है, जहां कोरोना से मुतासिर बच्चे उस वार्ड में इलाज करवा सकते हैं। फिलहाल 5 बच्चों का इलाज करवाया जा रहा है उस वार्ड में। अथॉरिटीज़ का कहना है कि कोविड-19 वार्ड को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे महसूस ना करें कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें ऐसा लगेगा कि वो स्कूल या नर्सरी में हैं। ऐसे कई स्कूल नर्सरी के डिज़ाइंस और इंटीरियर के साथ स्टेट्स में वार्ड्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए। मीडिया से बात करते हुए अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के चीफ राजेंद्र भोसले ने कहा कि मई के महीने में 8,000 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, जिनमें से 10% बच्चों की कोरोना से मुतासर होने पर हालात नाजुक है। हुकूमत बदतरीन हालातों के लिए तैयारी कर रही है ताकि आने वाले वक्त में वो कोरोना के इस खौफनाक लहर का सामना कर सके। राहत वाली खबर, कोरोना केसेस में गिरावट आई है। इंडिया भर में आज सबसे कम कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं। 152,734 केसेस दर्ज किए गए और 3,128 कोरोना से मुतासरीन की मौत हुई है। दिन पे दिन इंडिया के हालात ठीक होते जा रहे हैं, लेकिन एक लापरवाही तीसरी लहर को दस्तक दे सकती है, इसलिए अभी से ही एहतियात करें कोरोना से। तेलंगाना रियासत से लापरवाही की खबर सामने आई, जिसकी वजह से दोबारा कोरोना कहर मचा सकता है। अगर आवाम का रवैया ऐसा ही रहा लापरवाही वाला, तो लॉकडाउन हटाना नामुमकिन हो सकता है। खम्मम डिस्ट्रिक्ट से है ये लापरवाही वाली खबर, जहां शादी में शिरकत करने वाले 100 मेंबर्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 100 मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव लोगों में से दूल्हा और दुल्हन के वालिदों को मिला के 4 लोगों की मौत हुई है कोरोना के सबब। रिपोर्ट्स के मुताबिक 250 लोग ये शादी में शिरकत किए थे और कोविड-19 की गाइडलाइंस के खिलाफ वर्जी किए। इसी महीने तेलंगाना हुकूमत ने शादी में सिर्फ 40 लोग को शिरकत करने की इजाज़त दिए और मौता में 20 लोग को शिरकत करने की इजाज़त दिए। ये गाइडलाइंस जारी करने के बावजूद शादी में 100 से ज़्यादा लोग शिरकत किए, जिसके सबब गैदरिंग की गई, हुजूम जमा हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई, कोई मास्क का अहतमाम नहीं किया गया, कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के खिलाफ वर्जी किए और अपनी जानें खतरे में डाल लिए। ये बात जब सामने आई, तब शादी में शिरकत करने वाले मेहमानों की तबीयत खराब होना शुरू हुई। टेस्ट करवाने पर कुछ मेहमानों को कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट्स पाए गए, जिसके बाद सबको हिदायत दी गई कि कोरोना टेस्ट करवाए और करीब 100 लोगों को कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट्स पाए गए। दूल्हा और दुल्हन फिलहाल आइसोलेशन में हैं। तेलंगाना रियासत की आवाम के लिए खुशखबरी, आने वाले कुछ हफ्तों में तेलंगाना रियासत में कोरोना की दूसरी लहर ख़त्म हो जाएगी। स्टेट हेल्थ ऑफिशियल्स डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर जी श्रीनिवासा राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत में जल्द ही कोरोना की दूसरी लहर ख़त्म हो जाएगी। जून के महीने में आखिरी हफ्तों में कोरोना की दूसरी लहर से छुटकारा मिल जाएगा तेलंगाना की आवाम को। तेलंगाना रियासत में मार्च के महीने में अचानक कोरोना केसेस में इजाफा हुआ, फिर अप्रैल के महीने में कोरोना केसेस को काबू में किया जा रहा था। मई के पहले 2 हफ्तों में कोरोना की दूसरी लहर काबू में आती दिखाई दी और अचानक कोरोना केसेस में गिरावट भी नज़र आई। ये सब रिपोर्ट्स देखने के बाद ऑफिशियल्स का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में तेलंगाना रियासत से दूसरी लहर ख़त्म हो जाएगी। हैदराबाद कस्टम्स ने सोने की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया। एक पैसेंजर कुवैत से हैदराबाद आ रहा था, J9-1403 फ्लाइट से वो हैदराबाद आया। हैदराबाद कस्टम्स को शक होने पर उस पैसेंजर की तलाशी ली गई, जिसमें मालूम हुआ कि उसके जेबों में सोना भरा हुआ था। करीब 689 ग्राम सोना बरामद किया गया उस पैसेंजर के पॉकेट से, जिसकी कीमत 34 लाख बताई जा रही है।
पैसेंजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और सोना जब्त कर लिया गया है। तेलंगाना रियासत में पिछले 24 घंटों में 18 कोरोना से मुतासरीन की मौत हुई है और 2524 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए। जीएचएमसी यानी हैदराबाद से 307 कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए और दिगर डिस्ट्रिक्ट में 2217 केसेस दर्ज किए गए, यानी कुल मिला के 2524 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए पिछले 24 घंटों में तेलंगाना से। 20,000 रुपये रिश्वत लेने का शर्मनाक वाकया पेश आया, जिसे एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों से गिरफ्तार किया। तफसलात के मुताबिक जीएचएमसी कापरा के डीई महालक्ष्मी रंगे हाथों पकड़ी गई एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए झाड़ू देने वाली सालम्मा के पास से। सालम्मा के शौहर रमूलू जीएचएमसी के तहत रोडों की साफ सफाई और झाड़ू देने का काम करते थे। रमूलू का इंतकाल होने के बाद सालम्मा ने उस काम का जिम्मा उठा लिया। अपनी जॉब को जारी रखने सालम्मा ने जीएचएमसी कापरा डीई महालक्ष्मी ने 20,000 रुपये रिश्वत मांगे और एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से रंगे हाथों पकड़े गई। సాలమ్మ అని స్లీపర్ ఉంది జీఎస్ఎంసీ లో, ఆమె భర్త చనిపోయింది. ఆ భర్త చనిపోయింది కానీ ఆమెది జాబ్ కూడా వచ్చేసింది, ఆవిడ స్లీపర్ జాబ్. అయితే ఆమె జాబ్ను అట్లనే కంటిన్యూ చేయడానికి డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ మహాలక్ష్మి 20,000 రూపాయలు లంచంగా డిమాండ్ చేసింది. ఆ లంచం డబ్బులు ఆమె ఈరోజు తీసుకుంది. విజయ అనే శానిటరీ ఫీల్డ్ సూపర్వైజర్ ద్వారా ఆమె తీసుకుండగా మేము రిటర్న్ పెడుతున్నాం. ఈ విషయంలో సాలమ్మ కొడుకు శ్రీనివాస్ కూడా మాకు కంప్లైంట్ చేశారు. కంప్లైంట్ కూడా ఇదంతా యథార్థం తెలియదు, డిమాండ్ చేసింది అంతా యథార్థం తెలియదు. దాంతో ఈరోజు ఆమె ఆరుంబావుకి ఈ యాదగిరి ఫంక్షన్ హాల్ మెయిన్ రోడ్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటా ఉండగా విజయ ద్వారా తీసుకుంటూ మేము రెడ్ అడిగి పట్టుకున్నాం. ఆమెను ఈరోజు మేము అరెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఆమెని విజయని సాయంత్రం ఏసీబీ కోర్టు ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. తర్వాత చిత్రకూడ జైల్లో రిమాండ్ కోసం జైల్లో అంటారు. Success Junior College, after successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Parthasarthi, Director Success Junior College, brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University, latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab, where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students: BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students: MPC JEE and MCET, YPC NEET and MCET, MEC CACMA, CEC CACMA, CEC Computer and Regular. 100% scholarship assistance. Transport facility available. Hurry up! Admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.